दोस्तों इंस्टाग्राम पर ये सॉन्ग वायरल है और इस सॉन्ग पर अगर आपको भी इस तरह से अपना वीडियो एडिट करना है जैसा कि प्रीव्यू में आपने देखा है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। आपको बताएंगे इस तरह का वीडियो आप कैसे एडिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को मैं VN एप्लीकेशन में एडिट करूँगी एंड इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 18 वीडियो क्लिप्स की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब यहाँ पर वीडियोस ऐड करने के लिए गाइस नीचे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है राइट हैंड कॉर्नर से, और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और आ जाते हैं अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में। यहाँ से गाइस आपको वीडियोस सेलेक्ट कर लेने हैं। मैंने ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट है वो ड्राफ्ट में सेव करा हुआ है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस इंपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। अब दोस्तों वैसे तो मैंने एडिट पूरी तरह से वीडियो करा हुआ है, बट आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत इजीली इस तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप 18 वीडियो क्लिप्स ले आए हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके वीडियोस की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके वीडियोज़ की लेंथ इतनी है, ज़्यादा है। ओके, तो आपको क्या करना है, सारे वीडियोस को स्प्लिट कर लेना है रैंडमली, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि इतनी ही ड्यूरेशन आपको रखनी है, पर्टिकुलर कुछ नहीं करना, बस रैंडमली आपको यहाँ फोर्थ ऑप्शन स्प्लिट का मिल जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये आपको सारे वीडियोस के साथ करना है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 11 वीडियो क्लिप्स आपको इस तरह से डिक्रीज करने हैं, क्लिक करना है और 0.14 सेकेंड की ड्यूरेशन रखनी है 11 वीडियो क्लिप्स की। ये आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ये आप समझ गए कि आपको रैंडमली पहले स्प्लिट करना है, उसके बाद डिक्रीज करके 0.14 सेकेंड सेम ड्यूरेशन रखनी है 11 वीडियो क्लिप्स की। ओके, तो बाकी के यहाँ पर जितने वीडियोस बच जाते हैं वो हैं 7 वीडियो क्लिप, क्योंकि 18 वीडियो क्लिप हमने लेने को कहा था। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लेंथी वीडियो आएगा वो आएगा 1.68 सेकेंड के लिए, सबकी डिफरेंट ड्यूरेशन है गाइस, नोट डाउन कर लें। ओके, एंड नेक्स्ट आएगी 1.54 सेकेंड, देन आएगी 1.22 सेकेंड, देन 1.45 सेकेंड, देन 1.40 सेकेंड आप कर लें। ओके, देन आएगी 1.14 सेकेंड इस तरह से, एंड लास्ट आएगी 2.18 सेकेंड। तो ये ड्यूरेशन आपको नोट कर लेनी है और इस तरीके से डिक्रीज करना है अपने वीडियो क्लिप्स को। ओके, एंड इससे छोटी क्लिप्स हों अगर तो आपको लेंथ ही लेनी है, अगर हो सकता है जितनी ड्यूरेशन मैंने बताया उनसे छोटे क्लिप्स आपके पास हों तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ी सी बड़ी लेनी होगी। बड़ी का इलाज है कि हम उसको छोटा कर सकते हैं, बट छोटे को बड़ा नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको करना है। अभी मैं आपके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इतनी ट्रिमिंग आप कर लें। इसके बाद गाइस यहाँ पर इस तरह का डिफ़ॉल्ट क्लिप आता है VN में, तो इसको आपको डिलीट कर लेना है इनपुट टाइटल करके। ओके, एंड ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियोज़ को देख लें गाइस कि सही से एडजस्ट हैं या नहीं, नहीं है तो कर लीजिएगा। ओके, ये आप देख लें। अब बारी आती है म्यूज़िक ऐड करने की, तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए वीडियो के ऊपर जस्ट आप देखेंगे PIP ऑप्शन, टैप टू ऐड स्टिकर जहाँ पर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड वीडियो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो वीडियो मैं आपको दूंगी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आपको ले लेना है। ओके, आपको मतलब लिंक ओपन करना है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे, आपको सेव कर लेना है उस रील को जो मैं दूंगी। ओके, तो सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरह सेलेक्ट है ये वीडियो एंड यहाँ एंड में आना है आपको इस तरह से। लास्ट सेकंड ऑप्शन आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मिलता है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। आप देखते हैं यहाँ पर म्यूज़िक आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मैं डिलीट कर लेती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, तो आपको इस तरीके से म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करना है। म्यूज़िक हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इस वीडियो को हमें डिलीट कर लेना है। ओके, हमें म्यूज़िक की ज़रूरत है तो हमने ये ले लिया। अब गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ एंड में आएंगे एंड लास्ट फिफ्थ ऑप्शन मिलता है आपको जूम का, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑडियो से पहले आप देखेंगे जूम का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर जूम आउट वाला फर्स्ट जो फीचर है ये आपको अप्लाई करना है, अप्लाई टू ऑल कर लेना है। यहाँ जूम आउट सेलेक्ट करेंगे, नीचे अप्लाई टू ऑल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड डन कर लेना है। वैसे ये जो इफेक्ट है यहाँ पर वीडियोज़ में अप्लाई हो जाता है।
ओके एंड वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पर प्ले करके दिखा देती हूँ, बट गैस थोड़ा सा वीएन में भी ऐसी दिक्कत आती है, कभी कभी वीडियो सही से प्ले नहीं होता है। जैसे मैं प्ले करती हूँ तो एक ही वीडियो यहाँ पर शो होता है, एक या दो वीडियो शो होते हैं, सारे वीडियो एक साथ शो नहीं होते। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोन गैलरी में, उसके बाद आपको बताते हैं फ़ोन गैलरी में जाके मैं आपको दिखाऊंगी प्ले करके। तो सेव करने के लिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको कर लेना है और नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। ओके यहाँ से सेव ओनली कर लेते हैं और एग्ज़िट कर लेते हैं डायरेक्टली एंड गैलरी में जाके देखते हैं। ओके तो आपने देखा होगा इस तरह से गाइस वीएन आपकी मदद से आप ये वीडियो इजीली बना लेते हैं। कैसा था ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं बताइएगा जरूर। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए ट्रेंडिंग वायरल रील से रिलेटेड चाहते हैं नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।